मार्केट रेगुलेटर सेबी म्यूचुअल फंड निवेशकों के हित में बड़ा फैसला लेने जा रहा है। फंड हाउसेस को अब रिटर्न के साथ ये भी बताना पड़ेगा कि इसके लिए रिस्क कितना लिया गया। 19 जुलाई तक इस प्रस्ताव पर सुझाव मांगे गए हैं। इस खबर को विस्तार से बता रहे हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी ब्रजेश कुमार। जी ब्रजेश जी, मार्केट रेगुलेटर सेबी ने म्यूचुअल फंड के निवेशकों को और जागरूक बनाने के लिए एक नए नियम का प्रस्ताव किया है और वो नियम ये है कि जो म्यूचुअल फंड कंपनियां हैं उनके लिए रिस्क एडजस्टेड रिटर्न बताना जरूरी करने का प्रस्ताव है। इसका मतलब ये हुआ कि म्यूचुअल फंड्स ये बताएंगे कि वो जो रिटर्न बता रहे हैं या जिस रिटर्न की बात कर रहे हैं उस रिटर्न को हासिल करने के लिए म्यूचुअल फंड ने कितना रिस्क लिया है, यानी कितना जोखिम लिया है। बहुत बार ऐसा होता है कि रिटर्न तो बहुत ज्यादा मिलता है निवेशकों को और उसी की मार्केटिंग की जाती है, लेकिन ये नहीं बताया जाता कि इस रिटर्न को हासिल करने के लिए कितना ज्यादा जोखिम लिया गया है, ताकि अगर कभी कोई ऐसी स्थिति हो कि जोखिम ज्यादा हो तो निवेशक ये समझ सकें कि उनको क्या वाकई इतना रिटर्न कमाने के लिए इतना ज्यादा जोखिम वाली स्कीम में पैसे लगाने हैं या नहीं है। सेबी की मंशा यह है कि ट्रांसपेरेंसी रहे। अभी रिटर्न जो बेंचमार्क के अगेंस्ट में रिटर्न बताना होता है उसके अलावा रिस्क एडजस्टेड रिटर्न भी बताना होगा। हालांकि बहुत सारे फंड हाउसेस अब भी रिस्क एडजस्टेड रिटर्न बताते हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि बहुत सारे जो फंड्स हैं उनके अपने अपने तरीके हैं रिस्क एडजस्टेड रिटर्न निकालने के। सेबी ने यह प्रस्ताव किया है कि इंफॉर्मेशन रेशियो जो निकाला जाएगा उसी के हिसाब से ही रिस्क एडजस्टेड रिटर्न निवेशकों को बताना होगा, ताकि वो समझ सकें और ये फैसला कर सकें कि उनके लिए वाकई में क्या अच्छा है, ज्यादा रिटर्न और कम जोखिम या ज्यादा रिटर्न और ज्यादा जोखिम, तो ताकि वो बेहतर तरीके से अपने निवेश के बारे में फैसला कर सकें।